ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के दिल्ली में सीएम चेहरा घोषित न करने को लेकर तंज कसा। केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए बीजेपी को बुधवार 1 बजे तक सीएम चेहरा घोषित करने की चुनौती दी थी। हालांकि बीजेपी की ओर से इस बारे में कोई बयान नहीं आया। बुधवार को केजरीवाल ने कहा कि मेरी ओर से दी गई चुनौती को बीजेपी ने पूरा नहीं किया, ऐसे में मैं अमित शाह को दिल्ली चुनाव के मुद्दे पर बहस करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता अपने सवालों के जवाब चाहती है और मैं हर मुद्दे पर अमित शाह से बहस करने को तैयार हूँ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि वे किसे वोट दे। अगर जनता आप पार्टी को वोट देती है तो निश्चित तौर पर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन बीजेपी को देती है तो वोट किसी को नहीं तो गड्ढे में ही जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह ने दिल्ली की जनता से कहा कि वे उन्हें ही वोट दे, बाद में सीएम का चुनाव किया जाएगा। अगर सच में ऐसा है वे ही डिबेट करने आए, शालीनता से डिबेट होगी जिस भी समय और जिस भी जगह वे चाहे। मैं हर तरह की हर मुद्दे पर डिबेट करने को तैयार हूँ। केजरीवाल ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि अगर शाहजी ने किसी ऐरे गहरे नत्थू गहरे या किसी अनपढ़ को सीएम बना दिया तो ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा होगा। अरविंद केजरीवाल ने सवालों की झड़ी लगाते हुए बीजेपी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता बीजेपी और देश के गृह मंत्री से कई सवालों के जवाब जानना चाहती है और उन्हें चाहिए कि वे जनता को उनके सवालों के जवाब दे। इस दौरान केजरीवाल ने शाहीन बाग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वो सड़क इसलिए नहीं खुलवा रही क्योंकि वो इसी मुद्दे से बीजेपी दिल्ली की सत्ता हथियाना चाहते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली का कूड़ा करकट तक साफ नहीं होता। अरविंद केजरीवाल ने सवालों के रुख को फिर से घुमाते हुए कहा, चलिए आप सीएम कैंडिडेट मत बताइए लेकिन संभावित दावेदार तो बता दीजिए। केजरीवाल ने इस लिस्ट में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, विजय गोयल, हरदीप पुरी, हर्षवर्धन सिंह, स्मृति ईरानी के नाम लिया। उन्होंने फिर से अमित शाह को डिबेट में आने का न्योता देते हुए कहा कि डिबेट करे और दिल्ली की जनता के सवालों का जवाब दे। एक एंकर आपका और एक हमारा होगा, खुले दिल से डिबेट होगी और हर मुद्दे पर आपका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि जनतंत्र में बहस अच्छी है, खुली बहस तो अच्छा है। उन्होंने फिर से चुटकी लेते हुए कहा, ये मत कहिएगा कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता केजरीवाल से डिबेट करने को तैयार है क्योंकि ये मैदान छोड़कर भागने वाली बात है। केजरीवाल ने कहा कि जब आप कहते हो कि मुझे वोट दो मैं सीएम बनाऊंगा तो आपको आगे आकर डिबेट भी करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने इन सवालों का मांगा जवाब। जनता जानना चाहती है कि दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट क्यों दे। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि क्यों दिल्ली में सभी फ्री सुविधाओं को बंद कराना चाहते हो। दिल्ली के लोग देश के गृह मंत्री से ये जानना चाहते हैं कि आप शाहीन बाग की सड़क क्यों नहीं खुलवा पा रहे और उस पर गंदी राजनीति क्यों कर रहे हो। केजरीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ये भी जानना चाहती है कि मेरे जैसे छोटे से आदमी को हराने के लिए आपने इतनी भारी भरकम फौज क्यों खड़ी की है जिसमें 200 सांसद, 10 सीएम और 70 मंत्री शामिल है। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि पिछले 15 सालों में नगर निगम में आपने क्या काम किया, आपने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा क्यों बनाया। दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि आपने नगर निगम के स्कूल और अस्पतालों का क्या किया। दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि दिल्ली का बेटा आतंकी कैसे है। बता दे, दिल्ली सांसद प्रवेश वर्मा और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अरविंद केजरीवाल को नक्सली और आतंकी कहा था। दरअसल शाहीन बाग के पास हाल में कपिल गुजर नाम के युवक ने हवाई फायर कर प्रदर्शनकारियों को डराने की कोशिश की। अब इस युवक के आप कार्यकर्ता होने की तस्वीरें सामने आ रही है। इसके बाद बीजेपी ने इसे भुनाते हुए दिल्ली सीएम पर आतंकवादी होने का लेबल लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल भी उनके समर्थन में उतर गई थी। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर दूसरे के बच्चों के हाथों में बंदूक और खुद के बच्चों को चुनावी कैंपेन में उतारने का तंज भी कसा था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।